आजकल के स्कूल यूनिवर्सिटियां वो इलम नहीं दे रही। कैसे पॉसिबल है कि एक स्कूल गरीबों के लिए किताबें अलग हैं, अमीरों के लिए किताबें अलग हैं, और उसका सर्टिफिकेट उठा के डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कागज़ होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, बेसिकली बच्चे के पास कुछ नहीं होता। ये है पाकिस्तान स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का मसला। हमारा सिस्टम एजुकेशन पे बेस ही नहीं कर रहा, हमारा सिस्टम एजुकेशन पे बेस नहीं कर रहा, हमारा सिस्टम डिग्री पे बेस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब, और आज हम इनसे बात करेंगे कुछ डिग्री वर्सेज स्किल के बारे में, जो आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है। माय नेम इज़ इरविन चिरवाला एंड लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। प्रोफेसर हमें बताइएगा कि आजकल एक बहुत ज़्यादा टॉपिक अरूज पे है, और स्टूडेंट हमारे बेचारे जो है वो इस टाइम कश्मकश में हैं कि वो किधर जाएं। आज का इन्फ्लुएंसर, आज का एंटरप्रेन्योर कहता है कि कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ बेकार हैं, ये आपको सिर्फ गुलाम बनाती हैं, और दूसरी तरफ उस्ताजा या हमारा जो जिनका एजुकेशन के साथ रोज़गार वाबस्ता है, वो कहते हैं जी नहीं जी, स्कूल और कॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ा रहे हैं इतने अरसे से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि अब आप एज एंटरप्रेन्योर ही काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह अब आपकी एक डिवर्जन बहुत ज़्यादा चेंज, आपकी लाइफ चेंज बहुत ज़्यादा हुई है, तो ज़रा मुझे आपका मौक़िफ़ जानना है। राहिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू बी विद यू। आप प्यारे भाई हैं, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सबसे पहले हमें एजुकेशन और स्किल के बारे में जानना पड़ेगा कि एजुकेशन किसे कहते हैं और स्किल क्या है। एजुकेशन कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम साइंटिफिकली, लॉजिकली, मैथमेटिकली कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, वो सीखने का अमल हमारा हमारी पैदाइश से पहले शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के पास होता है बिफोर बर्थ, उससे पहले उसके सीखने का अमल शुरू हो जाता है। फिर बच्चा अपने घर से सीखता है, अपने वालदैन से सीखता है। उसकी दो तरह की ग्रोथ होती है, एक उसकी हम मेंटल ग्रोथ कहते हैं और एक उसकी फिजिकल ग्रोथ है। हर बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो है माँ के पास होने से लेकर 16, 17, 18 साल तक उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम्प्लीट हो जाती है। वो जब अपनी माँ के पास होता है, उसके बाद दुनिया में तशरीफ़ लाता है, 4 से 5 साल की उम्र तक वो अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का 50% हासिल कर लेता है। उसके बाद वो स्कूल में चला जाता है, स्कूल में जाकर 7वें 8वें स्टैंडर्ड में वो टोटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का 80% हासिल कर लेता है, और फिर 18 साल की उम्र में वो अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो उसकी मेंटल ग्रोथ होनी है, उसका वो 100% अचीव कर लेता है, और उसकी फिजिकल ग्रोथ एक खास हद तक आकर रुक जाती है। फिर उसके बाद वो जिंदगी को गुजार कर दुनिया से चला जाता है। अब एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो माँ की गोद, आपका घर का माहौल, आपकी सोसाइटी और आपका स्कूल कॉलेज जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। अब सवाल इससे भी पहले है, क्या उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या उसकी जो एजुकेशनल ग्रोथ है वो स्कूल में होती है या स्कूल से पहले उसके घर में होती है? उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट घर से स्टार्ट हो जाती है, उसका एजुकेशन का प्रोसेस घर में स्टार्ट हो जाता है। यही तो आज का एंटरप्रेन्योर कहता है स्कूल ना जाने का देवस्ते फिर। यही हम आगे बात करते हैं। अब वो जो स्कूल में जाता है, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चों को लर्निंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, उनको सोशलाइजेशन सिखाई जाती है स्कूल में। आप अगर स्कूल की बात करते हैं, पाकिस्तान के स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये क्या, हम तो पाकिस्तान के स्कूल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के स्कूल की कि उसमें जो मैथमेटिक के हमें फार्मूले पढ़ाए जा रहे हैं, और जो ये फलाना बटा फलाना फलाना, ये तो हमारी रियल लाइफ में तो यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप अगर मुझे मौका देंगे तो इंशाल्लाह मैं इस बात को एक्सप्लेन कर सकूँगा। स्कूल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बच्चे ने लर्न करना है, और वो लर्न क्या क्या करना है, उसमें उसने लॉजिक्स लर्न करने हैं,
उसने साइंटिफिक मेथड लर्न करने, उसने मैथमेटिकल सीक्वेंसेस को लर्न करना है जो हमारी आने वाली जिंदगी में, उसने वहाँ पर सोशलाइजेशन लर्न करनी है, वहाँ पर उसने दुनिया में आकर किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें उसने लर्न करनी है। अभी यूनिवर्सिटी में जाता है, यूनिवर्सिटी में भी जाकर उसकी लर्निंग हो जाती है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन आपका लर्निंग फेज है, लर्निंग प्रोसेस है, और स्किल एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें जो कुछ आपने लर्न किया होता है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। सर यही तो, वो तो आप सही कह रहे हैं, मसला ये है कि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो नहीं सिखा रही जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरत है। हाँ, अब आपका सवाल दूसरा है, पहले आपका सवाल ये था कि एजुकेशन क्या ज़रूरी है। हमारा सवाल वही है। अच्छा, एजुकेशन क्या जरूरी है? यस, एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सी एजुकेशन जरूरी है, हमारे स्कूल पाकिस्तानी स्कूल वाली या फिर आपके किस स्कूल की एजुकेशन की बात है? अब अगर इसको हम इस तरह से समझें, एक है आपकी एजुकेशन और एक है डिग्री। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हम डिग्री की बात कर चलें। अब डिग्री वर्सेस स्किल है, डिग्री वर्सेस स्किल है तो डिग्री इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है स्किल के लिए भी। आप देखें, आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो फिर आप मानते हैं कि डिग्री बेकार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन और स्किल ये दोनों लाजमो मलजूम है, मिसाल के तौर पर। लेकिन हमारा सिस्टम एजुकेशन को नहीं, हमारा सिस्टम एजुकेशन पे बेस ही नहीं कर रहा, हमारा सिस्टम एजुकेशन पे बेस नहीं कर रहा, हमारा सिस्टम डिग्री पे बेस कर रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल ये। अच्छा, एजुकेटेड बनने के पास डिग्री होना जरूरी है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जरूरी है कि मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरे पास डिग्री भी हो? ऐसा मेरी आप बात अगर सुनेंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ये बताएं कि नमाज पढ़ने के लिए वजू करना जरूरी है? जी जरूर जरूरी है। इसी तरह उस जिस बंदे के पास स्किल है, स्किल आती ही इलम से है, और इलम आप उसको देखें, मेरी बात सुने, क्वेश्चन से फिर आप हट रहे हैं। आजकल के स्कूल यूनिवर्सिटियां वो इलम नहीं दे रही, यही तो रोला है। असल में मसला ये है कि आपका शायद या लोगों का उन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी से वास्ता नहीं पड़ता कि जो जहां पर एजुकेशन दी जा रही है। हाँ, पाकिस्तान के आप इसको सिस्टम फेलियर कह सकते हैं, आप सिस्टम प्रॉब्लम कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान कैसे पॉसिबल है कि एक स्कूल गरीबों के लिए किताबें अलग हैं, अमीरों के लिए किताबें अलग हैं, मिडिल क्लास के लिए किताबें अलग हैं? ये मैं सिस्टम के फॉल्ट की बात नहीं कर रहा, सवाल आपका पुराना वही उसी पे वापस आते हैं। सवाल ये है कि क्या तालीम ज़रूरी है कि डिग्री? हाँ, तालीम, मैं डिग्री के बात ही नहीं कर रहा। मैं आप डिग्री के हक में आई या नहीं? नहीं, मैं डिग्री के हक में हूँ। आपको एजुकेशन, देखिए मैंने पढ़ा, डिग्री और एजुकेशन में फर्क है या नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ पढ़ी है, मैंने एक चीज़ को पढ़ा है। अब जिस चीज़ को मैंने पढ़ा है, आप मिसाल के तौर पर आप कोई काम करते हैं, क्या आप उसकी रिकग्निशन चाहते हैं? डेफिनेटली एक बंदे ने 14-15 साल पढ़ा है, क्या उसको इतना भी हक नहीं कि वो एक सर्टिफिकेट ले ले? यू आर राइट, बस उस सर्टिफिकेट की बेस पे वो जाता है जॉब लेने, और उसका सर्टिफिकेट उठा के डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कागज़ होता है, कागज का टुकड़ा होता है, बेसिकली बच्चे के पास कुछ नहीं होता। ये है पाकिस्तान स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का मसला। अब आप इस, आप जिनको डिग्री दे रहे हैं उनके पास वो चीज़ तो है ही नहीं। अब आप इसको ज़रा जोशी खिताबत में मैं भी बात कर सकता हूँ, लेकिन बात ज़रा समझें कि जिस बंदे ने एजुकेशन हासिल की है, और क्या आपको लगता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हम लोगों को स्किल्स नहीं दे रहे? क्या आप ये कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को स्किल नहीं दे? जी, आजकल का एंटरप्रेन्योर यही कहता है। अब आपके पास एक बच्चा आता है और आकर कहता है कि जी मैं डिग्री लेकर आपके पास आ गया हूँ और मेरे पास ये इलम है, जब आप उसको प्रोसेस ही गुजारते ही नहीं है, आप उसे कहते हैं कि यार पहले तजर्बा लेकर आओ। अच्छा, अब इस फॉल्ट को दूर किया था सबसे पहले जर्मनी ने। जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम के बाद इस कॉन्सेप्ट को समझा, और उन्होंने कुछ ऐसे इदारे बनाए। आप गुजरांवाला, जर्मनी की बात पहले कर देता हूँ, फिर गुजरांवाला की भी आपको बात बता दूंगा कि जर्मनी ने अपने स्कूल्स के साथ, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर बना दिए। यू आर राइट इरफान साहब, मैं आपसे एग्री हूँ कि अगर मैं CEO हूँ एक कंपनी का, तो मुझे यहाँ पे कौन से लड़के रिक्वायर्ड हैं? मुझे यहाँ पे
वो काम वाले लड़के रिक्वायर्ड हैं जो यहाँ पे आके मुझे कमा के दें, बल्कि वो वाले बंदे रिक्वायर्ड नहीं है जो यहाँ पे डिग्री लेके आए और अपनी डिग्री की बेस पे मुझसे जॉब मांगे तो मुझे कमा के क्या देंगे नहीं। आप पाकिस्तान में जितनी जॉब्स ऑफिशियल लेवल पे अनाउंस होती हैं आप उसमें फिर ख़त्म कर दें कि भाई आपको एम कॉम रिक्वायर्ड है, एम इंग्लिश रिक्वायर्ड है, आप उसमें कहें कि हमें ये स्किल वाला पर्सन रिक्वायर्ड है। आप एजुकेशन सिस्टम में या स्किल सिस्टम में या हकूमती लेवल पर वो सिस्टम ही डिमोलिश कर दें और वहाँ पर आकर कहें कि जनाब डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप स्किल लेकर आएँ। और इदारे, मैं अगर अपनी बात को कंक्लूड करूं, इदारे वही कामयाब होते हैं और वही अच्छे इदारे होते हैं। देखें, स्कूल का मतलब आपको स्किल प्रोवाइड करना है और स्किल की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुआशरा करता है। आपको स्कूल ने नॉलेज दे दिया है, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ाता हूँ, मैंने अकाउंटिंग का फाइनेंस का नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे दिया है, अब उसने उसका सर्टिफिकेट भी है उसके पास कि आई डिड एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो मार्केट में आता है, मार्केट में आकर जब आपके पास या एंटरप्रेन्योर के पास आता है वो कहता है भाई मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप एजुकेशन ये है कि हमने बच्चे को सिखा कर दे दिया, हमने उसको तमाम सब देखें, आप फिर चले गए गलत साइड पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप डिग्री दे रहे हो और जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो वो आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए वैलिड नहीं है। वो सन 1950 का आप मॉडल पढ़ा रहे हो, आज भी हमारी किताबों में अगर फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है, अब फ्लॉपी डिस्क एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ऐसा नहीं है, आप अगर एजुकेशन सिस्टम को अगर समझें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप MBA का कोर्स उठाएं, हम वहाँ पर चेंज मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, हम जदीद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम वहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लेकिन एक बहुत बड़ा एक गैप मौजूद है यस इंडस्ट्री के अंदर और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर sir, और जिस हिसाब से हमारी तरक्की कर रही है IT उसके अंदर एक गैप मौजूद है। सर मेरा मौकफ ये है, डिग्री वर्सेस स्किल, डिग्री नहीं एजुकेशन वर्सेस स्किल। एजुकेशन आपको एक तरीका बताता है, स्किल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। एजुकेशन आपको स्कूल कॉलेजेस देते हैं और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के स्किल को प्रैक्टिकली ग्राउंड में परफॉर्म करना आपको मुआशरा देता है। और अगर मुआशरा स्किल को प्रोवाइड नहीं करवाता, उसको कैटर नहीं करता, तो फिर मुआशरे में इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। मेरा ख्याल है कि मैंने अपना जवाब दे दिया। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, ने बहुत अच्छे तरीके से इसको वाइंड अप किया है। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं। आपका भी टाइम कीमती है इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है। मैं जिस चीज़ को समझाऊँ वो ये समझाऊँ, इरफान साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर कट रखें कि आपको डिग्री वाला बंदा चाहिए या स्किल वाला बंदा चाहिए। हुकूमती लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर में ये चेंज होने की ज़रूरत है। जब आप अपने जॉब की डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, जब अपना ऐड रन करते हैं कि मुझे फलां बंदा चाहिए, तो उसमें क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि मुझे स्किल बंदा चाहिए या डिग्री वाला बंदा चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे जितनी भी बात की जाए वो कम है और इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पोस्ट करें कि आपको क्या लगता है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या फिर स्किल इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका एक मुकाबला बनता है आप कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे रहील गुलचर वाला को, प्रोफेसर इरफान साहब को इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।